हेलो एवरीवन, ये वीडियो मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के बारे में है जो क्लास 3 के लिए है, जिसका थीम है एनिमल्स। तो इस वीडियो में चारों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू नो हाउ टू मेक एमडीपी प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एमडीपी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें जिस भी सब्जेक्ट का एमडीपी प्रोजेक्ट बनाना है उसकी ऐसे फाइल बनानी होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू राइट द नेम। एज इट इज द फाइल ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आई हैव रिटन हियर इंग्लिश मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्लास, इट इज फॉर क्लास 3, तो विल पुट हियर, विल राइट हियर क्लास 3, एंड अकॉर्डिंगली विल पेस्ट सम पिक्चर्स। देन कम्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। सो फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज these documents are the same, and for Hindi the documents are different. तो सबसे पहले मैं आपको documents के बारे में बता देती हूँ जो कि English, Mathematics और EVS के लिए same है और Hindi के लिए थोड़ा different है। तो Hindi के documents I'll let you know in the section of Hindi. Multidisciplinary project English मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है। ये मैंने जो shape animal बनाया है इसकी video आप मेरे channel पर देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई पोस्ट द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंडेक्स। इंडेक्स में हम जितने भी हमने पेजेस यहाँ इंक्लूड किए हैं उनका टॉपिक क्या लिखेंगे, कौन से पेज से कौन से पेज तक है, और रिमार्क्स लिखेंगे। फर्स्ट कम्स द टाइटल पेज, ये देखिए ये टाइटल पेज की भी। देन कम्स टाइटल पेज के बाद में आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इज टू बी रिटन बाय द स्टूडेंट। सर्टिफिकेट वो होता है जो आपके टीचर्स आपको देते हैं, बट ये लिखना आपको ही होता है। दिस इज सर्टिफाई दैट आपका नाम, ऑफ क्लास, क्लास का नाम और सेक्शन लिखेंगे, हैज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड हिज और हर प्रोजेक्ट ऑन द थीम या एनिमल्स लिखेंगे, एंड टाइटल और टाइटल लिखेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपके केंद्रीय विद्यालय का नाम है या कोई और स्कूल का नाम है तो वो लिखेंगे। ऑफ द एकेडमिक ईयर 22-23 यहाँ लिखा है, आप एकेडमिक ईयर 23-24 या कुछ भी सोन लिख सकते हैं। ये गाइड टीचर का नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम एंड यूर पिट हेयर डेट। तो ये तो सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू माई सब्जेक्ट टीचर्स, टीचर्स का नाम, फॉर देयर गाइडेंस, my honorable principal, principal ka naam, for providing me all the facilities in the school. I would also like to express special thanks to my parents and friends for helping me to complete this project. Again, student ka name and date will come here. ye sare documents aap mere documents wali video mein jaakar check kar sakte hain, ye kaise banaye hain aur wahan se download kar sakte hain. fir now comes name slip. ya name slips ki sari detail aa jayenge, name slip aa jayegi aapki. देन कम्स गाइडलाइंस। गाइडलाइंस की आ जाएगी यहाँ पर रिपोर्ट, यहाँ पे आपकी सारी गाइडलाइंस आ जाएगी कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं और क्या क्या कैसे कैसे हमें ये बनाना है, A4 शीट पे बनाना है, रेड कलर का पेन यूज नहीं करना है और जेन्युइन चीजें इसमें लिखनी है, कहीं से कॉपी करके नहीं लिखनी है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एंड देन फिर कम्स कंटेंट की, क्वेश्चन नंबर 1 का कहाँ से कौन से पेज से कौन से पेज तक है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। एंड लास्ट में आता है माई लर्निंग्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, की आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। तो ये दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ इंग्लिश का मैंने यहाँ ये पेज बना लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर चिपका लेंगे। टाइटल पेज मैंने ये बनाया है इंग्लिश का, इसको आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है, आप डाउनलोड भी वहां से इसे कर सकते हैं। एंटायरली यही कॉपी करके आपको नहीं बनाना है, इफ यू वॉन्ट यू कैन डाउनलोड, बट अगर आप अपने हाथ से ड्रॉ करके बनाएंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। ये वीडियो खाली एक आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, आपने सारा इनपुट आपको अपना अपना देना है, कहीं से भी कुछ भी कॉपी करके या एज इट इज कॉपी नहीं करना है। अच्छा, ये देखिए कितने सुंदर से मैंने शेप एनिमल्स बनाए हैं, इनका वीडियो आपने चैनल पे देखिएगा और हिट द बेल आइकन ऑल्सो। एक्टिविटीज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्या दिए गए हैं। दीज आर द क्वेश्चन गिवन इन माई स्कूल, तो मैं उन्हीं का वीडियो बना रही हूँ। आपके स्कूल में या आप लोग अपने बच्चों को किस तरह का प्रोजेक्ट देते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू। मेक ए प्रोजेक्ट ऑन एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। एनिमल्स और उनके बेबीज के बारे में प्रोजेक्ट बनाना है। इस एक वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाया है, उसको मैं टैग कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट का मतलब है कि सुंदर सा बनाना है, ये तो मैंने दिखाने के लिए खाली आपको पेस्ट करी है पिक्चर्स, बट आप सुंदर सा कुछ बना सकते हैं। एक मदर एनिमल, बेबी एनिमल की पिक्चर काट चिपका सकते हैं, या एक जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उस वीडियो के अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी, हाँ, मेरे स्कूल के ही बच्चों की बनाई हुई वीडियो है कि इन्होंने किस तरह से वो मदर एनिमल और बेबी एनिमल दिखाया है।
तो उस पर आप बना सकते हैं. दीज आर द एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, यहाँ मैंने लिखे हैं. बेयर का, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, कैट, किटन, काउ, कफ एंड सो ऑन. तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर वन है. क्वेश्चन नंबर टू इज पेस्ट एंड राइट नेम्स ऑफ एटलीस्ट फाइव ऑफ ईच एनिमल. कम से कम पांच एनिमल्स की पिक्चर लिखनी है, बनानी है. लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, एरियल एनिमल्स. तो ये लैंड एनिमल्स मैंने चिपका दिए हैं, वाटर एनिमल्स चिपका दिए हैं. कौन कौन से आपने एनिमल्स लिखे हैं उनके नेम्स भी लिखने हैं, जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, काउ, कैट, डॉग. मेन चीज है आपको स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए. ये इंग्लिश का प्रोजेक्ट है तो आपको इंग्लिश के स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए. डॉल्फिन, सी, लॉबस्टर, सी टर्टल, सी हॉर्स एंड ऑक्टोपस, ये वाटर एनिमल्स हो गए. नाउ कम्स एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स आर दोज जो कि हवा में उड़ते हैं, पक्षी होते हैं. क्रो, पीकॉक, डब, स्पैरो, गूज, स्टॉक, पिजन एंड टर्की, ये मैंने एरियल एनिमल्स की पिक्चर पेस्ट कर दी है. तो इस तरह से आप यही पिक्चर नहीं पेस्ट कर सकते हैं, कोई और पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर थ्री. मेक अ फिंगर पपेट और मास्क और अ टॉय ऑफ एनी एनिमल बर्ड एंड राइट अबाउट इट. किसी एनिमल के बारे में आपको या तो मास्क बनाना है, या टॉय बनाना है, या कोई पपेट बनानी है और उसके बारे में आपको लिखना भी है. तो आई शो यू द पपेट्स जो मेरे इस क्लास के बच्चों ने बनाए हैं. तो मैं वो आपको पपेट शो करती हूँ कैसे बनाए हैं उन बच्चों ने. सो देखिए, दीज आर द पपेट जो मेरे क्लास के बच्चों ने बनाए हैं. कितने सुंदर बनाए हैं. ये टाइगर का है, ये बर्ड है, ये लायन है, और ये एक पैरट है येलो कलर का. तो आप ऐसी पपेट्स आप भी बना सकते हैं, टॉय भी बना सकते हैं, या कोई आप मास्क भी बना सकते हैं. जो एनिमल्स के टॉयज की वीडियो भी होगी तो मैं बीच में इंसर्ट कर दूंगी, आप वहां से देखकर बना लेंगे. इस तरह का बना लेंगे, यहाँ पेस्ट कर लेंगे आप, यहाँ आप उनको पेस्ट करेंगे. एंड देन उसके बारे में आपको लिखना भी है कि मेरी पपेट कैसी है, मैंने पपेट में क्या बनाया है, व्हाट आई हैव मेड इन द पपेट, व्हाट इज द कलर ऑफ द पपेट, हाउ आई हैव मेड दिस पपेट. यू हैव टू राइट अबाउट दैट पपेट और टॉय और मास्क आल्सो. द स्टार्टिंग ऑफ द रिटन पार्ट आई हैव डन हियर. माय पपेट, टॉय और मास्क. दिस इज माय पपेट, दिस इज माय पपेट. द कलर ऑफ माय पपेट इज येलो एंड रेड. फर्दर यू हैव टू इंक्रीज द पॉइंट्स अबाउट योर पपेट. तो सारा कुछ मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, यू हैव टू पुट योर इनपुट हियर. तो ये हो गए पपेट्स के बारे में, एक्टिविटी नंबर थ्री. नाउ कम्स एक्टिविटी नंबर फोर. राइट 10 लाइंस ऑन हाउ एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट टू अस एंड गिव नेसेसरी पिक्चर्स. तो एनिमल्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हमें वो उनके बारे में लिखना है. जो जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हमारी लाइफ में होते हैं उनके बारे में लिखना है, उनकी पिक्चर चिपकानी है. लाइक दिस, मैंने एक काउ की पिक्चर बड़ी सी पिक्चर बनाई है यहाँ पर. तो हमें इनके बारे में लिखना है और इनकी पिक्चर्स भी हमें यहाँ चिपकानी है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स हम लिखेंगे. एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. एनिमल्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दे गिव अस, व्हाट डू दे गिव अस, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 पॉइंट्स. तो यू विल राइट ऑन योर ओन, ठीक है. तो और वो पिक्चर्स भी चिपकाएंगे जहाँ पर जो एनिमल्स हमें कुछ देते हैं उनके बारे में हम लिखकर यहाँ पिक्चर चिपकाएंगे. एज वी कैन राइड एन एलिफेंट, एलिफेंट कैरीज द लोड ऑल्सो, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फाइव इज राइट व्हाट कैन वी डू टू सेव एनिमल्स. ये लिखना है कि हम एनिमल्स को कैसे सेव कर सकते हैं. आजकल आप सबको पता है कि एनिमल्स को लोग मारकर खाते हैं, उनकी स्किन का यूज करते हैं, उनके हॉर्न्स का यूज करते हैं. तो दिस इज वेरी बैड. अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको यूज करते हैं एनिमल्स को. तो हाउ कैन वी सेव द एनिमल्स, वो पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं. 3 पॉइंट्स आई हैव रिटन, 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे. वी कैन सेव एनिमल्स इफ We should quit using or consuming animal products such as milk, meat, leather, etc. हमें वो animals के products को consume करना या use करना बंद करना चाहिए, जैसे कि milk है, meat है, leather है. Buy cruelty-free items. We should buy the and use only vegan and animal test-free products. ऐसे products को buy करना चाहिए जो cruelty-free हो, यानी कि जिसमें animals को मारा ना गया हो, उन्हें परेशान ना किया गया हो. और जो वीगन हो, वीगन वो होते हैं आइटम्स होते हैं जिनमें एनिमल्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, एनिमल्स की हेल्प नहीं ली जाती किसी भी तरह से. पॉइंट नंबर थ्री, डोंट सपोर्ट एनिमल्स इन एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट में हमें एनिमल्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए. जैसे हम सर्कस देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि एलिफेंट ही फायर रिंग के अंदर से निकल रहा होता है. तो हमें ऐसे एंटरटेनमेंट को अवॉइड करना चाहिए. हमें कभी भी ऐसे सर्कस में नहीं जाना चाहिए. अगर हम सर्कस में नहीं जाएंगे तो सर्कस वालों की बिक्री कम होगी, सर्कस वालों के टिकट सेल नहीं होंगे, और क्या होगा, हम एनिमल्स को सेव कर पाएंगे. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट,
आप लिखेंगे। नाउ कम्स लास्ट में माई लर्निंग्स की, मैंने क्वेश्चन पांच फाइव क्वेश्चन हो गए कंप्लीट यहाँ। अब यहाँ मेरे लर्निंग से कि मैंने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। दिस इज ए फ्रूटफुल प्रोजेक्ट फॉर मी। आई लर्न अबाउट एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइव्स। आई ऑल्सो फाउंड द वे टू सेव एनिमल्स। आई वुड लाइक टू कन्वे माई सिंसियर थैंक्स टू माई प्रिंसिपल टीचर एंड माई पेरेंट्स, एंड यू हैव टू राइट योर नेम एंड पुट अ साइन इट। तो दिस वॉज द प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश जिसका टॉपिक था एनिमल्स। तो मैंने इंग्लिश टॉपिक पे ही काफी सारे और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे ये देखिए टाइम का बनाया है मैंने यहाँ पर, और फूड का भी बनाया हुआ है, और ट्रीज का भी बनाया है। यू कैन चेक ऑन माई चैनल।